तेरी व्लॉगिंग करने के बाद तो मुझे व्लॉगर अवार्ड मिलना चाहिए इंडिया में। देखिए टेरेन चेंज होते जा रहा है, ट्रेल पे हम अभी भी लगे हुए हैं, शुरू के 10 मिनट नहीं हुए हैं, मैंने 20 मिनट का वीडियो बना दिया लेकिन देखते हैं कितने लकी रहते हैं आज। यह पथरीला रास्ता आ गया है यहाँ पर, इसको बड़े केयरफुली मैनूवर करना है सावधानी के साथ। और अच्छा हुआ कि हम सॉक्स नहीं लाए आज, सिर्फ शूज पहने हुए। यहाँ पे ट्रैक करने के लिए सिंपल शूज बताए गए थे, अच्छी ग्रिप वाले, गम्बूट्स लाने की ज़रूरत नहीं है, और एक रेनकोट तो बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है अगर आप भीगना नहीं चाहते हैं वाटरफॉल में पहुंचने से पहले। Do not forget to like, share and subscribe. Subscribe बोलते ही लिया भाई। ये देखिए भैया के पैर में लग गया है पहला लीच, ऐसे ही मेरे पैर पे भी लगा होगा, मुझे अपने पैर तो देखे नहीं मैंने अभी तक। ये डेटॉल के पानी से जो है लीच भगा दिया उन्होंने। हमने भी एक प्रिकॉशन के तौर पर अपने पैर पे डिटॉल का डाइल्यूटेड वाटर जो है बॉटल में ला रखा था, वो मैंने भी पैर पे लगा लिया है, छिड़क दिया है, सबने छिड़क दिया है, अदरवाइज लीच चिपक जाता है तो पता भी नहीं चलता है कि कब खून पी गया। तो दूसरे भाई के पैर पे भी लग गया लीच, खास करके जो चप्पल में आ रखे हैं उसमें ज़्यादा ही चांसेस हैं लीच के लगने के। गोवा के घने जंगलों में डीप फॉरेस्ट में अब हम एंटर कर रहे हैं, आप देखिए यहाँ का सीन, ऐसा लग रहा है बाली इंडोनेशिया के जंगल, पता नहीं कहाँ आ गए। देखिए मैं दिखाता हूँ, सब है यहाँ पहाड़ जंगल सब है, इतना ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी इस सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ही ज़्यादा देखने को मिलता है, डेंस फॉरेस्ट। ऐसे ही व्लॉग करते करते कट जाएंगे रास्ते, 5 किलोमीटर का रास्ता। दोस्तों जीवन में खतरे कई हैं, हमने इनसे भी पूछा कि सांप का क्या सीन है, सांप भी हमने एक तो इंटरनेट बहुत डरा देता है, इंटरनेट में लिखा हुआ था कि काफी सारे सांप निकलते हैं इसी वक्त,
तो हमने जस्ट कंफर्म करने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा जमीन पर कोई सांप नहीं मिलेगा, सारे सांप जो हैं इस वक्त पेड़ पे रहते हैं। मैंने कहा वाह दैट्स अमेजिंग, सीधे गले पे काटेगा वो, पहले पैर पे ही काट सकता था या सीधे माथे पे, देख देख के चलना है। मेरी वजह से मैंने भी लेट हो रही है काफ़ी, अब व्लॉग बना बना के आराम से चल रहा हूँ। वो बोले गलत आदमी के साथ फंस गए आज। ये सीन है यहाँ के डेंस फॉरेस्ट के, गोवा। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब बोलते ही लिया मैं। ठंडे मौसम का एक फायदा यह है कि थकान जल्दी से नहीं लगती। यही ट्रैक अगर हम गर्मी में कर रहे होते तो अभी तक काफ़ी अच्छे तरीके से डिहाइड्रेट हो चुके होते, बट यहाँ तो ऊपर से पानी बरस रहा है और टेम्परेचर बहुत ही अच्छा है। जो हमारा स्टार्टिंग ट्रैक पॉइंट था वो ऑलरेडी एक काफ़ी इनर एरिया में था, लेकिन अब हम जहाँ जा रहे हैं वो एकदम जंगल का कोर डेंस एरिया है, जहाँ से आगे विलेजर्स भी नहीं जाते हैं। यहाँ का गाइड ने हमें बताया कि ये फॉरेस्ट जो है सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है, और जहाँ पे वाटरफॉल है वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे वाइल्ड बोर ने पूरा यहाँ पे जो ट्रैक करा हुआ है पूरा, ये वाइल्ड बोर के ट्रैक्स हैं, गाइड ने बताया अभी अभी। तो वाइल्ड लाइफ काफ़ी है, पर गाइड ने हमें बताया कि यहाँ पे स्लॉथ बियर के अलावा माउस डियर, सांबर, ब्लैक पैंथर और चीता जैसी स्पीशीज भी हैं। अभी हम जो है चढ़ाई करने लगते हैं, थोड़ा संभल के यहाँ पे चलने की ज़रूरत है वरना वीडियो वायरल होने में देरी नहीं है। धीरे 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 धीरे, हौले 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 हौले। देखो टाड़ जन जम मारता हूँ यहाँ से। लकड़ी निकल रखी है यहाँ पर। सोसाइटी को इतना दूर छोड़कर फोन्स, सिग्नल्स, सिम, इन सारी चीज़ों को हम पीछे छोड़कर आज सिर्फ नेचर से कनेक्ट होने इस जंगली वाइल्ड इलाके में आ चुके हैं। अपने अंदर के जंगली नेचर से हम कनेक्ट करने के लिए आज यहाँ पे आ पहुँचे हैं, सारे समाज को पीछे छोड़कर। अब ज़रा थकान महसूस होने लगी है, हम लॉन्ग रूट से जा रहे हैं और शॉर्ट रूट से वापस आएंगे।
रेन में आने लगे हैं पसीने। लीच लग गए थे चार पैर पे, पता भी नहीं चलता है। और ये बोल रहे हैं अभी से ज्यादा ही आए लगेंगे, स्टार्ट हो गया लीच, लीच एरिया। वी आर नाउ इनसाइड द लीच रूट। This is my second time in Goa since I started vlogging.